दोस्तों आपका स्वागत है पूरा जुगाड़े द वीडियो द सक्सेस में। आज हम एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस करने जा रहे हैं। ये हमारा क्लास 10 का चैप्टर सेकंड आज हम करेंगे, जहां पर हम देखेंगे कि फेडरलिज्म क्या चीज होती है। यहां पर आप देखेंगे कि हम यहां पर टॉप टू बॉटम अप्रोच देखेंगे या बॉटम टू टॉप अप्रोच देखेंगे। यहां पर हम देखेंगे कई लेवल पे कई सारे गवर्नमेंट्स होंगी, वो कैसे वर्क करती हैं और क्या क्या इसमें फीचर्स होते हैं, ये सारा हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसको पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, यहाँ पे आप कुछ ना कुछ जरूर नया सीख के जाएंगे। और हम यहाँ पे इसको पढ़ने से पहले आपको पिछला वाला चैप्टर पढ़ लेना होगा, क्योंकि आप अगर उसको पढ़ेंगे तो ये ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा। आप नहीं भी पढ़ेंगे तब भी आपको ये क्लियर हो जाएगा, लेकिन मेरा अगर आप रिक्वेस्ट सुनते हैं तो मैं आपको कहूंगा कि प्रीवियस वाला आप जरूर देख लें। यहां पर फेडरलिज्म को समझने के लिए हमको समझना होगा कि पावर शेयरिंग क्या चीज होती है, जो कि हमने ऑलरेडी आपको समझा दिया है प्रीवियस वाले चैप्टर में। लेकिन जिसने भी मिस किया है उसके लिए मैं थोड़ा एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूं। अगर पावर शेयरिंग की हम बात करते हैं तो ये चार टाइप के होते हैं, लेकिन इस चैप्टर में मैं आपको सिर्फ दो टाइप का बताऊंगा। और अगर आपको चारों देखना है तो आपको प्रीवियस चैप्टर को देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर दो ही टाइप के जरूरी हैं समझने के लिए फेडरलिज्म को, इसलिए मैं दो ही बताऊंगा। और जिसको भी चारों देखना है आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और प्रीवियस चैप्टर को देख लें। यहाँ पर देखिए, पहला अगर हम बात करते हैं तो वो है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में क्या होता है, यहाँ पर एक लेवल पर हॉरिजॉन्टल आप जानते हैं लेटा हुआ, तो यहाँ पर तीनों वर्क करेगा, और जो गवर्नमेंट है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों एक ही लेवल पर हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, ये हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहलाएंगी, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, ये लेजिस्लेटिव रूल बनाएगा, ये इसको रन कराएगा और जुडिशरी इसको चेक करेगा, और एक दूसरे को ये लोग चेक करते रहते हैं। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये कहलाएंगे हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, क्योंकि इनकी पावर एक जैसी होगी। लेकिन दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरा क्या है, यह है वर्टिकल पावर शेयरिंग। और वर्टिकल पावर शेयरिंग में क्या होगा, यहां पे पिरामिड की तरह वर्क करेगा गवर्नमेंट। यहां पर टॉप पे होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, उससे नीचे होगा स्टेट गवर्नमेंट, और सबसे नीचे होगा पंचायती राज या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपैलिटी। तो ये तीन लेवल होंगे, हम या तो ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे पावर में, या नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, दोनों में हम देख सकते हैं इसमें। और यहाँ पे कई सारी देखिए थ्योरीज हैं, हम उसमें बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। और यहाँ पर क्या क्या प्रैक्टिसेस थी, कैसे ये वर्क करती हैं, पॉलिसीज में कैसे फेडरलिज्म काम करेगा, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। और आप ये भी देखेंगे कि इंडियन फेडरलिज्म में हम तीन टायर का क्या करते हैं, गवर्नमेंट फॉलो करते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है। ये यहां पर आपको कहां पर दिखेगा, ये चीज ये आपको मेनली इंडिया में दिखेगा। तो चलिए देखते हैं। यहां पर देखिए, सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा ये चैप्टर शुरू करने से पहले कि फेडरलिज्म क्या होता है। तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि पावर शेयरिंग क्या चीज होती है, और उसी में से एक जो वर्टिकल पावर शेयरिंग है वही क्या है, उसी को हम फेडरलिज्म के नाम से जानते हैं। और इसमें हमने दो केस स्टडी पढ़ी थी, एक हमने पढ़ा था बेल्जियम के बारे में और दूसरा हमने पढ़ा था श्रीलंका के बारे में। यहां पे आपने क्या देखा था, बेल्जियम में, हमने देखा कि दो ग्रुप है, एक मेजॉरिटी में है और दूसरा माइनॉरिटी में है, और यहां पर दोनों ने अपने पावर को शेयर कर लिया। माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों ही क्या करते हैं, गवर्नमेंट में बराबर से आ जाते हैं, इक्वली वो वर्क करते हैं। वहां पे हम स्ट्रेंथ के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से वर्क नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, इक्वली सबको दे देते हैं, बराबर की सीट दे देते हैं। मेजोरिटी भी उतनी सीट लेता है जितना कि माइनॉरिटी लेता है। लेकिन हम श्रीलंका के केस में क्या होता है, यहां भी मेजोरिटी होती है
और यहां पर भी माइनॉरिटी होती है, लेकिन यहां पे क्या होता है, जब गवर्नमेंट बनती है तो मेजोरिटी को ज्यादा सीट मिलती है और माइनॉरिटी को नेगलेक्ट कर दिया जाता है। और माइनॉरिटी जो सेक्शन होता है वो क्या करता है, मेजॉरिटी सेक्शन माइनॉरिटी सेक्शन पे प्रेशर डालता है और उसको कंप्रेस करने की कोशिश करता है अपनी लॉस के हेल्प से। और यहां पर देखा जाता है कि बहुत सारे वॉर होते हैं, सिविल वॉर देखने को मिलता है और बहुत सारा प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ा हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं कि आखिर ये अगर इतनी चीज अच्छी है पावर शेयरिंग, और हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग की, जिसको हम फेडरलिज्म के नाम से जानते हैं, तो आखिर ये फेडरलिज्म क्या चीज होती है, चलिए अब हम उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। यहां पर अगर डेफिनेशन की बात करें फेडरलिज्म क्या होता है, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहां पर फेडरलिज्म क्या है, ये एक तरह का सिस्टम है, इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर, सबसे पहली बात पावर होगी और वो क्या होगी, इज डिवाइडेड, ये बांट दी जाती है कहां पर, बिटवीन सेंटर अथॉरिटी, सेंटर अथॉरिटी मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट, हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्लियर है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स। कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स का मतलब क्या हो गया, यहां पे स्टेट गवर्नमेंट हो गया, क्लियर है, जो कि हमारे कंट्री में है, ये चीज आपको क्लियर हो गई है। अब अगर हम देखें जनरली अगर फेडरलिज्म की हम बात करते हैं, तो फेडरलिज्म में आप देखेंगे कि दो लेवल होता है गवर्नमेंट में, और जो पहला लेवल होगा, पहले टाइप का जो गवर्नमेंट में लेवल होगा, वो क्या करेगा, पूरे कंट्री पे उनका फोकस होगा, वो क्योंकि क्या देखेंगे, वो कॉमन इंटरेस्ट देखेंगे वहां पे जितने भी लोग हैं, और यहां पर क्या होगा, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ये बहुत ज्यादा होगी। लेकिन जहां पे दूसरा लेवल है गवर्नमेंट का, वहां पे क्या होगा, इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रोविंसेस कह सकते हैं या स्टेट कह सकते हैं, और ये एक नहीं होगा, ये कई सारे होंगे। जैसे हम सेंट्रल की बात कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होगी, एक होगी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कई सारी होंगी। और यहां पर हम क्या देख रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट केस में यहाँ पे कॉमन इंटरेस्ट पे ज्यादा फोकस हो रहा था, और प्रोविंसेस या स्टेट गवर्नमेंट ये डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन पे ज्यादा फोकस इनका रहेगा, रोज क्या प्रॉब्लम आ रही है लोगों में वो उस पे काम करेंगे। और यहां पर आप देखेंगे दोनों जो गवर्नमेंट होंगी उनका क्या होगा, वो इंजॉय करेंगी अपने पावर्स को इंडिपेंडेंटली, ऐसा नहीं है कि दूसरा उनके ऊपर फोर्स कर सके, ये चीज आपको यहां पर क्लियर हो जानी चाहिए बिल्कुल ही। और यहां पर देखिए ये जो मैप दे रखा है, यहां पर दिखा रहा है कि कहां कहां पर फेडरलिज्म आपको देखने को मिलता है, ये चीज आपको क्लियर है। और ये मैप है 2002 का, तो यहां पर 2002 के हिसाब से इतनी जो कंट्रीज आपको दिख रही हैं ये फेडरल कंट्रीज थी। अब यहां पर थोड़ा सा हम इसके फीचर्स के बारे में देखते हैं फेडरलिज्म को। देखिए यहाँ पे समझने से पहले देखिए एक चीज हमको ये समझनी है कि फेडरलिज्म और यहां पर यूनिटरी में क्या डिफरेंस है, तब हम उसका की फीचर समझ सकते हैं। यहाँ पे फेडरलिज्म में क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स होंगे, और ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, ये डिसीजंस कुछ अपने रिस्पेक्ट में, अपने एरिया के रिस्पेक्ट में वो डिसीजंस ले सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन यूनिटरी में क्या है, सेंट्रल ज्यादा पावरफुल होगा और स्टेट गवर्नमेंट्स कम पावरफुल होंगी, यहाँ पे ये ज्यादा पावरफुल होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होगा, ये चीज आपको समझनी है। अब इसके बाद हम की फीचर्स की अगर हम बात करते हैं, तो फेडरल सिस्टम में क्या की फीचर्स होते हैं, चलिए अब उसको हम देख लेते हैं। यहां पे अगर की फीचर्स की बात करें तो आपकी बुक में
सेवन की फीचर्स दे रखे हैं, एक एक करके अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा। यहाँ पे पहला की फीचर है कि यहाँ पर ऐसी जो गवर्नमेंट्स होंगी इसमें आप देखेंगे जनरली कितने लेवल होंगे, कितने टायर होंगे, यहाँ पे कम से कम दो होंगे और दो से ज्यादा आपको लेवल देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर दूसरा की फीचर्स क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो अलग अलग आप देख रहे हैं लेवल है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, यहाँ पर सिटीजन एक ही होगा। सिटीजन क्या है, सिंगल सिटीजन है और उस पे रिस्पेक्टिव ज्यूरिडिक्शन वहां पे वर्क करेगा। तो यहाँ पर अब देखिए ज्यूरिडिक्शन, आप देखिए यहाँ पर ये डिफाइंड किया हुआ है। यहाँ पर ज्यूरिडिक्शन क्या है, अ एरिया ओवर विच समवन हैज लीगल अथॉरिटी, कोई है गवर्नमेंट, यहाँ पे कह रहा है गवर्नमेंट यहाँ पर क्या कर सकता है, सिटीजन पे वो इंस्ट्रक्शंस दे सकता है। अ एरिया में बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज और इन टर्म्स ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ सब्जेक्ट, यहाँ पे जो इलाका होगा या तो उसकी बाउंड्री डिफाइंड होगी, इस बाउंड्री के बीच में जो होगा गवर्नमेंट यहाँ पे वर्क करेगी, या यहाँ पे बता देगा कि कितने लोग यहाँ पर हैं जिन पे ये रूल लागू होगा। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन है, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन होगी ज्यूरिडिक्शन की। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये जो ज्यूरिडिक्शन है ये स्पेसिफिक मैटर्स में वर्क करेगा उन लोगों के ऊपर, जैसे कि लेजिस्लेशन है, जो रूल बनाया जा रहा है वो, टैक्स जो लिया जाएगा लोगों से टैक्सेशन में या एडमिनिस्ट्रेशन में, कैसे वहां पे ये चीजें आप देखेंगे। अब इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है कि जो ज्यूरिडिक्शन होगा जो अलग अलग लेवल पे वर्क करेगा ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। ये हर लेवल का आप देखेंगे ये कहां पर मेंशन है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। और यहां पर जो एक एक लेवल है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इनका जो आप रूल्स रेगुलेशंस या अथॉरिटी जो आप यहां पर देख रहे हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कहां पर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली ये गारंटी की जाती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए ये गारंटी किया जा रहा है। और चौथा पॉइंट है जो यहाँ पे फंडामेंटल प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो क्या है, वो टाइम टू टाइम चेंज हो सकते हैं। और ये चेंज कब होंगे, जब दोनों लेवल उस पर एग्री करें, यहां पर जब पार्लियामेंट पास करेगा, लोकसभा राज्यसभा उसको पास करेगा, प्रेसिडेंट उसको साइन करेगा, और दोनों लेवल जब गवर्नमेंट इस पे एक्ट कर सकते हैं, ये इसीलिए क्या कह सकते हैं हम कि ये समय समय पर चेंज भी होता रहता है। अगला पॉइंट है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो अलग अलग लेवल पे हमने देखा है जहां पे रूल्स रेगुलेशन जो बन रहे हैं, ये कौन इंटरप्रेट करेगा, कौन बताएगा कि ये लॉ कौन सा है, ये कोर्ट बताती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स ये आपको बताएंगी। हम जब कोर्ट को डिस्कस करेंगे तो वहां पे काफी डिटेल में हम जाएंगे। यहां पर देखिए मैं आपको एक समरी फॉर्म में आपको ये कीवर्ड्स बता दे रहा हूं। यहां पर कोर्ट्स क्या कर रही हैं, इनको इंटरप्रेट कर रही हैं जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें दे रखी हैं। और जो पावर्स हैं, ये जो डिवीजन होगा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। और इसको कोर्ट, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो कोर्ट उसको इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में हेल्प करेगा और ये एज अंपायर वर्क करेगा। ये चीज आपको यहां पर क्लियर हो जानी चाहिए। अगला जो पॉइंट है यहां पर ये कह रहा है कि जो रेवेन्यू लिया जाएगा, जो टैक्स लिया जाएगा, जो पैसा लिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, ये क्लियरली आप देख पाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि किस तरीके से ये लिया जाना है। और ये फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को मेंशन करता है। सातवां पॉइंट है कि इसमें देखिए हम दो चीजों को अच्छे से समझ पा रहे हैं। फेडरल सिस्टम में हमने क्या चीज समझा है कि ये क्या करेगा, यहां पर हमको सेफगार्ड करेगा, हमको बचाएगा और प्रमोट करेगा कि पूरे इंडिया में अच्छे से ये
काम करें। दूसरा पॉइंट है, साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि जो रीजनल डाइवर्सिटी है वो अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है। यहाँ पर जो यूनिटी है कंट्री की उसको, और साथ ही साथ जो डाइवर्सिटी है हर इलाके में, उन चीजों को यहाँ पर देखा जाएगा। और यहाँ पर देखिए, ये जो हम मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर आप देखेंगे जो इंस्टीट्यूशन है और जो प्रैक्टिसेस हैं, ये टाइम टाइम पे क्या होता है, इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है अगर वो सही से वर्क नहीं करती है तो। तो यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर की फीचर्स देख ली हैं, साथ हमने की फीचर्स देखे हैं, और इसको कोशिश करिएगा कि आप अगर एज इट इज रट पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रट पा रहे हैं तो जो कीवर्ड्स मैंने अंडरलाइन किया है ये तो आप जरूरी याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से दो ऐसे रूट हैं जिसके थ्रू फेडरलिज्म बनता है। हम यहाँ पे दो तरीके के फेडरलिज्म को देखेंगे, एक है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म और होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। ये दोनों फेडरलिज्म को अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहां पर देखिए, अगर हम फेडरलिज्म की बात करें कि कैसे दो फेडरलिज्म यहाँ पे वर्क करेंगे, दो टाइप के फेडरलिज्म कैसे वर्क करेंगे। जो पहला टाइप का है, यहाँ पे कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई छोटी छोटी स्टेट है, या हम यहाँ कह सकते हैं कंट्री है, ये सारे जुड़ गए एक बड़ी कंट्री में, ये सब क्या कर रहे हैं, एक साथ जुड़ गए और एक बड़ा कंट्री इन्होंने तैयार कर लिया है। ये एक बड़ी कंट्री हो गई है और ये छोटी छोटी कंट्रीज थी, क्लियर है आपको, ये सारी जुड़ गई और एक बड़ी कंट्री बना लिया, इसको क्या कहते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। यहां पे जो फेडरलिज्म फॉलो हो रहा था एक कंट्री में, वो सारी कंट्रीज क्या हो गई, एक बड़ी कंट्री में मर्ज कर गई। और यहां पे ऐसा क्यों किया जा रहा है, यहां पर हम देखते हैं कि ये सॉवरेनिटी को मेंटेन करने के लिए, या आप देखेंगे आइडेंटिटी को रिटेन करने के लिए हम ये चीज करते हैं। इससे क्या होता है, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा मेंटेन हो जाती है। ये फेडरलिज्म हमने कहां पर देखा है, ये हम मेनली आप एग्जांपल ले सकते हैं यूएसए का। यहाँ पे कई सारे 50 स्टेट्स हैं जो कि जुड़ गए एक साथ और उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बनाया। और उससे क्या हुआ, अलग अलग स्टेट होते, अलग अलग प्रेसिडेंट होते, प्राइम मिनिस्टर होते, तो काफी ज्यादा दिक्कत होती, इसलिए क्या हुआ, और उनके रेवेन्यू भी बहुत ज्यादा लगती, इसलिए यूनाइट कर गए ये लोग और उनका काम आसान हो गया। और अब देखिए यहां पर क्या हुआ, ये चीज और हमको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलती है और ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है। और दूसरा क्या है, यहां पर आप देखेंगे होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, ये क्या है, यहां पर हम देखते हैं कि जो बड़ा पावर है, यहां पर बड़ा कंट्री है, ये टूट जाता है छोटे छोटे कंट्री में या छोटे छोटे स्टेट्स में, और ये टूटता है इसलिए कि वहां पर रूल अच्छे से हो सके, वो कंट्री से अलग नहीं होता है, सिर्फ उसका एडमिनिस्ट्रेशन अलग होता है। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, तोड़ दिया जाता है, क्योंकि बड़ी कंट्री को एक आदमी तो रूल कर नहीं सकता है, उसको तोड़ दिया जाता है कि वो छोटे छोटे यूनिट्स में अच्छे से रूल किया जा सके। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, इंडिया है। इंडिया हम जानते हैं एक बड़ी कंट्री है और उसको छोटे छोटे स्टेट्स में तोड़ा गया है, जैसे जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, और कई सारे केरला, तमिलनाडु, कई सारे स्टेट हमने देखा है फॉर्म होते हुए अपने इंडिया में। लेकिन वो अलग नहीं है, वो इंडिया में ही है, इंडिया का ही पार्ट है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसको तोड़ दिया गया है। तो इसको क्या कहते हैं, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। कंट्री एक ही है लेकिन उसने क्या किया, पावर को यहां पर तोड़ दिया है। और पहले वाले में क्या हुआ है, पहले वाले में कई सारी कंट्रीज या स्टेट्स जुड़ गए हैं एक बड़ी कंट्री में, या बड़ी कंट्री के साथ वो मिलकर रूल कर रहे हैं लोगों के ऊपर। इंडिया के साथ साथ दूसरे वाले में, होल्डिंग टुगेदर में, स्पेन भी है और बेल्जियम भी है,
बेल्जियम के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे हमको इसमें डिटेल में नहीं जाना है। यहाँ पर देखिए जो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये जो पॉइंट आपको दे रखा है लेट्स रिवाइज, ये काम आपका है, मैंने आपको बता दिया है, आप टाइम टू टाइम इसको रिवाइज करते रहिएगा। यहाँ पे देखिए कुछ कुछ कंडीशंस दे रखी हैं और इसको आप अपने दिमाग से इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं तब मुझे कमेंट करिएगा, वैसे मुझे लगता है कि आप इसको कर ले जाएंगे। और यहाँ पर अब यहाँ पे बात आ रही है कि जो इंडिया कंट्री है हमारी इंडिया, यहाँ पर किस तरह का फेडरलिज्म हमको देखने को मिलता है, होल्डिंग टुगेदर है या वहां पर हम देखेंगे कि कमिंग टुगेदर। तो हम ये जानते हैं कि होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म हमारे इंडिया में है, हम ये बात कर चुके हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि फेडरलिज्म को पढ़ने से पहले, समझने से पहले कि इंडिया में कैसे ये चीज लागू हुई थी, इससे पहले आप ये चीज समझिए कि हमने ऑलरेडी बेल्जियम के बारे में पढ़ लिया है, श्रीलंका के बारे में पढ़ लिया है। बेल्जियम में हमने देखा था कि मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी में कुछ लोग हैं और माइनॉरिटी में है, तो यहाँ पर आप देख रहे थे कि दोनों ने इक्वली सीट को डिवाइड कर लिया था कि वहां पे अच्छे से काम हो सके। और ये भी चीज हमने देखा कि वो काफी सक्सेसफुल भी रहा था। और वहीं पे अगर हम श्रीलंका की बात करें, सिंघाला की अगर बात करें, वहां पे मेजॉरिटी में सिंघाला थे और वो तमिल्स को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, ये चीज हमने देखा। और उसके कारण में क्या हुआ, वहां पे फेडरलिज्म नहीं हो पाया और वहां पर ये काफी ज्यादा हमने देखा कि फेलियर में भी रहा है, वहां पे गवर्नेंस में बहुत सारे सिविल वॉर्स हुए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, ये सब चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और जिसने भी मिस किया है, आप पिछला वाला जो हमने लेक्चर आपको दिया है उसको आप जाकर देख सकते हैं, वहां पे रीजनल वॉर हमने देखे हैं, जो लैंग्वेज रिलेटेड रीजनल जो डाइवर्सिटीज थी उनके कारण काफी सारे सिविल वॉर हमने देखा है। ऐसे ही जो हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत सारे हम देखते हैं कि लैंग्वेजेस हैं, रिलीजियंस हैं, और हम अलग अलग रीजन में अगर चले जाएं तो वहां का कंडीशन चेंज होता चला जाता है, कंडीशन के हिसाब से भी हम ये चीज देखते हैं या हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम चीजों को काफी चेंज होता हुआ देखते हैं। और यहाँ पर ये बात आ रही है कि फेडरलिज्म यहाँ पे कैसे वर्क किया, तो हमने ये चीज देखी कि जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने रूल किया था 200 इयर्स के लिए, तो उन्होंने काफी हमको हमारे जो बेसिक नीड्स थे उसको भी उन्होंने क्लोज कर दिया था, तो उससे काफी ज्यादा हमको प्रॉब्लम आई थी। और यहाँ पर अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, बाद में हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा है कि यूनियन ऑफ स्टेट की बात कही गई है। जब हम इंडिपेंडेंट हो गए उस समय हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड यूज किया हुआ है और फेडरेशन वहां पर यूज नहीं है, लेकिन आप ये चीज देखेंगे कि वर्ड नहीं है लेकिन हमारा हमारी जो कंट्री है वो फेडरली कैसे वर्क करती है। अगर हम जनरल देखते हैं तो सब जगह पे वर्ल्ड में हम दो टेयर सिस्टम में देखते हैं काम होता हुआ, वहां पे हम फेडरल गवर्नमेंट देखते हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट देखते हैं अगर वर्ल्ड की बात की जाए, लेकिन इंडिया में हम यहाँ पर तीन लेवल पे हम गवर्नमेंट को देखते हैं, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और पंचायती राज है या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, ये हमारा तीन लेवल पे या म्यूनिसिपैलिटी हम कह सकते हैं ये काम करता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो फेडरलिज्म में जब रूल बनाया जाएगा तो ये आखिर कैसे काम करेगा, हम अब थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखें कि जो पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड किया हुआ है, ये हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन देखा है। अब यहाँ पर तीन लिस्ट बनाई गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर यूनियन लिस्ट है, यहाँ पर देखेंगे आप कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर रूल्स बनाएगी, दूसरा है स्टेट लिस्ट, जैसा कि नाम है यहाँ पर स्टेट रूल बनाएगी, और तीसरा है वो लिस्ट जो कि कॉन्करेंट लिस्ट हम कहेंगे, जहां पर दोनों लॉ बनाएंगे, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों में आप देखेंगे जो रूल्स हैं
यहाँ पर चेंज होते हुए आपको दिखेंगे। अब थोड़ा सा हम और इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम यूनियन लिस्ट की बात करें तो यूनियन लिस्ट में आप जानते हैं कि यहाँ पे लॉ कौन बनाएगा, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा, अगर सेंटर की बात है, पूरे इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट होगी वो क्या देखेगी कि सेंट्रल जो नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट हैं वो डील हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जैसे डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, बैंकिंग सिस्टम है, कम्युनिकेशन है, करेंसी है, ये जो चीजें हैं ये हम नेशनल इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। क्योंकि अगर करेंसी रुपया अगर चेंज होगा तो हर स्टेट में पूरे कंट्री में एक ही जैसा रुपया चलना चाहिए, तो इसलिए ये जो होगा, इस तरह के जो टॉपिक्स होंगे ये सेंट्रल लिस्ट में प्लेस कर दिया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में, और इस पे यूनिफॉर्मली एक पॉलिसी बनाई जाएगी थ्रू आउट द कंट्री। और यहां पर आप देखेंगे ये सीधे कहां चलाएगा, यूनियन लिस्ट में चलाएगा। अब दूसरे लिस्ट की अगर हम बात करें वो है स्टेट लिस्ट, यहां पे कौन लॉ बनाएगा, यहां पर जैसा कि पहले वाले में सेंट्रल बना रहा था, यहां पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। और यहां पर स्टेट गवर्नमेंट ये देखेगी कि जो वो लॉ बनाने जा रही है वो लोकल इंपॉर्टेंस का है कि नहीं, जैसे कि पुलिस है, ट्रेड है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है, ये जो टॉपिक्स हैं यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें अड़ंगा नहीं डाल सकती है, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बनाएगी। और जो तीसरे टाइप का मैंने आपको अभी बताया है वो है कॉन्करेंट लिस्ट, जहां पर दोनों का इंटरेस्ट लाई करेगा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, यहां पर आप देखेंगे दोनों ही लॉ बनाने लगेंगे। अब इसमें कौन से चीजें आती हैं, जैसे आप देख सकते हैं एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन या मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, ये जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है या बच्चे से रिलेटेड, ये जो लॉज आप देख रहे हैं यहाँ पर दोनों ही जो गवर्नमेंट्स हैं वो लॉ बना सकती है। और ऐसे लॉज को आप कैसे समझेंगे, कैसे आप पहले से उस चीज को समझ जाएंगे कि ये कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा, तो इसका देखिए एक मैं आपको ट्रिक बोल सकता हूं। जैसे कि कोई ऐसे लॉ है, ऐसा टॉपिक है जो कि बाद में ऐड हुआ है, जैसे कि आप कह सकते हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर हमारा बाद में डेवलप हुआ, हम जब इंडिपेंडेंट हुए 1947 में, उसके बाद कंप्यूटर आया है, उससे जो रिलेटेड लॉज होंगे वो कहां आएंगे, वो कॉन्करेंट लिस्ट में आएंगे। या आप कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस पे अब हम वर्क कर रहे हैं, अगर मान लीजिए इससे रिलेटेड कोई लॉ बनता है तो वो कंकरेंट लिस्ट में आएगा। इसीलिए ये क्या हो रहा है, ये बाद में ऐड हो रहा है, इसीलिए ऐसे जो टॉपिक्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम रेसिडुअल सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेसिडुअल सब्जेक्ट कहते हैं, बचा हुआ, ये सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं। ये आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है मैंने तीनों लिस्ट को, और ये बहुत अच्छे से आप पढ़िएगा, अब आपको ये चीज एकदम क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे ये बात आता है कि इंडिया फेडरेशन है या यूनिटरी नेचर है, तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म पे वर्क करता है, जहां पर हमने देखा है कि एक बड़ी कंट्री टूट के छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड हो जाती है और एक एक स्टेट को रूल किया जाता है, और कंट्री एक ही होती है, सिर्फ पावर डिवीजन वहां पे होता है। यहाँ पर उसी तरीके से इंडिया भी वर्क कर रहा है, यहाँ पर होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म में वर्क कर रहा है इंडिया। और यहाँ पर आप देखेंगे जो पावर्स हैं, इंडिया की जो पावर्स हैं जो अलग अलग स्टेट में है वो अलग अलग तरीके से वर्क करती है। और ऐसे जनरल हम देखते हैं तो हमने सबको बराबर से पावर बांट रखा है, लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शन भी होते हैं जो अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। यहां पर देखिए अगर हम स्पेशल स्टेटस की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर को हमने स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है, और यहां पर हमने अभी देखा है कि आर्टिकल 370 बहुत न्यूज में रहा था और 35A आपका यहां से हटा लिया गया, और उसके बाद क्या हुआ, पहले यहां पर इनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, जम्मू कश्मीर का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, अब ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है।
और यहां पर आप देखेंगे कि कुछ कुछ ऐसे लॉज थे जो कि जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे, या उसको लागू कराने के लिए हमेशा स्टेट असेंबली से परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा जब से 370 और 35A को रिमूव कर दिया गया है। इससे पहले तक क्या होता था कि परमानेंट जो रेजिडेंट होता था वहां पर, वो वहां पे जमीन खरीद सकता था या घर बना सकता था, लेकिन जो जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग थे वो वहां पर नहीं खरीद सकते थे। अब लेकिन ऐसा हम कर सकते हैं, और 2019 में भी हमने देखा लास्ट की तरफ अक्टूबर मंथ में कि जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी में हमने डिवाइड कर दिया है। और यूनियन टेरिटरी का मतलब आप जानते हैं, अब वहां पर प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली वहां पे काम करेंगे। ये चीज हम देख चुके हैं, और ऐसे ही रिलेटेड जो स्टेट है उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। और भी कई स्टेट है जहां पे इस तरह से काम होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं चंडीगढ़ और लक्षद्वीप, दिल्ली, ये जो स्टेट्स हैं इनको हम क्या कह रहे हैं, यूनियन टेरिटरी कह रहे हैं, और इनकी जो पावर है वो स्टेट के पास नहीं होगी। यहां पर आप देख पा रहे थे कि जम्मू कश्मीर में पहले स्टेट की पावर ज्यादा थी, अब यहां पर वो खत्म हो चुका है। लेकिन अगर हम नेक्स्ट केस की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे कि स्टेट का पावर एक तरीके से आप कह सकते हैं नहीं है। जैसे कि अगर एक एग्जांपल हम दिल्ली का लें तो वहां पे पुलिस दिल्ली गवर्नमेंट की नहीं है। तो ऐसे ही और कंडीशंस आप मुझे बताएंगे कि ऐसा आपको और कहाँ कहाँ ऐसे देखने को मिल रहा है। नागालैंड और मणिपुर का रीजन है जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, उसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ऐसा आपको कहाँ देखने को मिल रहा है। ये चीज आपको क्लियर है? और ये जो हमने कंडीशंस बताई हैं, जब हमारा भारत आजाद हुआ था तो उनको किसी स्टेट में हम एड अप नहीं कर सकते थे। ये जो सेकंड केस वाले हैं, वो जो यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे थे इनको हम एज स्टेट भी कंसीडर नहीं कर सकते थे इनके साइज के उसमें। तो यहाँ पर आप ये चीज देख पा रहे हैं कि हमने इनको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया था कि हम यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पर ध्यान देगी, और वहां पर हेड कौन हो जाएगा, प्रेसिडेंट हो जाएगा, वहां पे उसको वो देख पाएंगे, और ये स्टेट्स इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। अब अगर मान लीजिए हम बात करें कि अमेंडमेंट अगर हो तो क्या होगा, अगर हम अमेंडमेंट की बात करें, अगर हम चेंज करने की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में लॉस को चेंज करने के लिए, तो हमको क्या करना होगा, ऐसे जो हम देख रहे हैं स्टेट में अगर हमको कोई चेंज करना है तो वहां पर आप देखेंगे कि हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर दोनों पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा जो भी हम लॉ लाना चाह रहे हैं, और वहां पर मेजोरिटी कितनी होनी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। और अगर कोई स्टेट जहां पे आप चेंज करना चाह रहे हैं या उससे रिलेटेड स्टेट्स, वहां पर आप रेटिफाई कराएंगे जो आप लॉ लाने वाले हैं, और कम से कम हाफ जो टोटल स्टेट है उनका हाफ वोटिंग होना चाहिए। और यहाँ पर जो लॉज हैं, अगर इसमें मान लीजिए डिस्प्यूट हो जाता है तो कौन रिजॉल्व करेगा, तो यहाँ पर आप ये समझिए कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर मेन कोर्ट्स हैं जो यहाँ पर डिसीजन देंगे कि ये जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व हो सके। तो ये आप अमेंडमेंट का प्रोसीजर आप समझ चुके हैं, यहाँ पर ये ऐसे वर्क करेगा। यहाँ पर हम देखिए ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है इसको आप सॉल्व करिए, ये आप प्लीज मुझसे मत कहिएगा सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये बहुत आसान है, आप इसको कर सकते हैं। जो मैंने अभी आपको समझा दिया है उससे रिलेटेड टॉपिक ही है ये, आपको सिर्फ डिस्कशन करना है, आपके एग्जाम में ये कभी नहीं आएगा, तो आप यहाँ इसको करके रखिए, ये आपका होमवर्क है।
अब हमको ये देखना है कि इंडिया में फेडरलिज्म कैसे काम किया, और हमने देखा कि बेल्जियम में फेडरलिज्म काफी अच्छे से काम किया था और श्रीलंका में एक फेलियर था। लेकिन फेडरलिज्म की अगर हम बात करें तो इंडिया में काफी सक्सेसफुल रहा, इसका कारण क्या था? और इसका कारण अगर हम देखें तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम बहुत क्लियरली हमने मेंशन कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके बारे में हमने मेंशन कर दिया कि कैसे वो वर्क करेगा। तो प्रोविजंस यहाँ पे दिए हुए थे और एक तरीके से हमने उसको क्लियर कट हमने बता दिया सबको कि किस तरीके से ये काम करेगा, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया और वो प्रॉपरली वर्क करने लगा। और ये सिर्फ हमने देखिए, खाली ये सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो रहा था कि हमने उसको कॉन्स्टिट्यूशन में खाली रख दिया था इसलिए वो सक्सेसफुल था, या हम कह सकते हैं कि जो हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स था, जो नेचर था हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है सक्सेसफुल होने का। हमारे फेडरलिज्म यहाँ पे जो सक्सेसफुल है, इसका कारण है कि हमारे जो पॉलिटिक्स है जो इतना डेमोक्रेटिक है, इसके कारण भी सक्सेसफुल रहा है। और क्या अगर हमारा एटीट्यूड नहीं होता तो क्या ये सक्सेसफुल होता? तो इसका कारण ये है कि जो स्पिरिट है हमारा फेडरलिज्म का, या हम जो डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, या हम हमारे अंदर जो डिजायर है कि हम लोग एक साथ रहें, ये तीनों चीजों ने ही एक आइडियल कंडीशन बनाया इंडिया को एक फेडरलिज्म को अच्छे से रन करने के लिए। और यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें कि मेजर हमने दो स्टेप लिए थे फेडरलिज्म को अच्छे से रन कराने के लिए, पहला तो है लिंग्विस्टिक स्टेट्स का क्या मैटर है, चलिए अब इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, लिंग्विस्टिक बेस पे हमने स्टेट को बनाना शुरू किया, स्टेट का हमने डिवीजन किया, पहले से ही हम ये चीज देख रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें, ये देखिए 1947 का ये मैप है, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं, ये देख लीजिए आप, ये जो मैप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा 1947 का मैप है, और ये जो अब देख रहे हैं आप, ये हमारा 2006 का है। तो काफी चेंज हमने देखा है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमने जो कल्चरल डाइवर्सिटी थी या एथनिसिटी थी, ज्योग्राफिकल रीजन के कारण हमने डिवीजन किया, और लैंग्वेज हमारा वहां पर देख रहे थे जहां पे कॉमन लैंग्वेज बोला जा रहा है उसको हमने स्टेट में बदल दिया। ये हमारा 1947 में ऐसा नहीं था, हम एक रीजन वाइज डिवाइडेड था हमारा इंडिया, लेकिन बाद में जाके वो लिंग्विस्टिक स्टेट भी बना। और हम देख रहे हैं कि बाद में इसके लिए काफी झगड़े भी हुए, और ऐसा लगने लगा पॉलिटिशियंस को कि पूरा इंडिया अब डिवाइड होने लगेगा छोटे छोटे पॉकेट्स में, क्योंकि बोडो लैंड का डिमांड होने लगा और कई सारे छोटे छोटे स्टेट्स के डिमांड होने लगे। नॉर्थ ईस्ट की बात करें, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्दर्न रीजन में हर तरफ ऐसे डिमांड्स होने लगे थे, उनमें से एक तेलंगाना भी था जहां पे ये डिमांड किया जा रहा था। तो ये एक डर हो गया था कि सारे स्टेट लैंग्वेज बेस पे अगर डिवाइड किए जाएंगे तो इंडिया के काफी ज्यादा टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो वो डिवीजन हुए वो भी एक कारण है सक्सेसफुल फेडरलिज्म का प्रैक्टिस के लिए। और यहाँ पर अगर हम दूसरे पॉलिसी की बात करें, जो हमारा हमने यहाँ पे लैंग्वेज की पॉलिसी ली थी, एक तो हमारा यहाँ पे लिंग्विस्टिक बेस पे हमने स्टेट को डिवाइड किया, और अब यहाँ पर हमने लैंग्वेज की पॉलिसी अपना ली। लैंग्वेज की पॉलिसी में क्या है, हमने शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कुछ बना रखे हैं, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं, यहाँ पर 22 है, आपकी बुक में 21 दे रखा है, अब ये 22 हो चुके हैं। और यहाँ पर ये जो अगर आप बात करें कि जब ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में, वो उन्होंने हमारे पर रूल किया, वो फिर यहाँ से चले गए, हम इंडिपेंडेंट हो गए 1947 के बाद, ये हुआ कि जो ऑफिशियल वर्क है वो इंग्लिश में ही किया जाएगा, इंग्लिश में ही होगा, और इसका कंटिन्यूएशन 1965 तक होगा। उसके बाद हुआ कि इंग्लिश को हटा दिया जाएगा और हिंदी नेशनल लैंग्वेज कंसीडर कर ली जाएगी। लेकिन इसके ये जो हमने बात कही,
इसके कारण बहुत ज्यादा मारकाट होने लगी तमिलनाडु में, क्योंकि हर स्टेट में हिंदी नहीं बोली जाती है, 40% लोग ही हिंदी बोलते हैं। अगर इंडिया की हम बात करें तो टोटल कितना है, 40% टोटल हिंदी बोली जाती है, तो ये काफी प्रॉब्लम की बात हो गई और यहाँ पे काफी लोग मर भी गए। तो बाद में ये देखा गया कि 1965 में जब हटाने की बात हो रही थी, फिर एक बात पे हुआ कि नहीं ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों ऑफिशियल लैंग्वेजेस मानी जाएंगी, ऑफिशियल वर्क में हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा, क्योंकि इंग्लिश ज्यादा से ज्यादा लोग नॉर्थ साउथ इंडिया में भी बोल लेते हैं। तो यहाँ पर उस तरीके से ये दोनों लैंग्वेजेस ऑफिशियल लैंग्वेज बन गए। तो ये देखिए, ये जो कारण है, ये सब हमारे सक्सेसफुल रहने का कारण है। ये जो हमने अलग अलग पॉलिसीज जो हमने अपनाई है, यहां पर आप ये चीज देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि देखिए, अभी हम फेडरलिज्म को देख रहे हैं, तो फेडरलिज्म में हम जानते हैं कि पावर डिवाइड होता है। तो अब हम देख लेते हैं सेंट्रल और स्टेट का रिलेशन कैसा रहा इंडिया में। तो यहाँ पे अगर आप फोकस करेंगे तो ये चीज आपको समझ में आएगी कि जो हमने रिकंस्ट्रक्ट किया, हमने फिर से जो रिलेशनशिप बनाया है सेंट्रल और स्टेट का इंडिपेंडेंस के बाद, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो प्रैक्टिस हमने अपनाया, इसके कारण काफी ज्यादा स्ट्रेंथ हुआ है हमारे यहाँ। और पावर को अगर रियलिटी में हम देखें, अगर रियलिटी चेक करें कि पावर क्या सही में हमने अच्छे से डिवाइड किया है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, तो आपको ये चीज पता चलेगा कि काफी दिन तक हमने ये चीज देखा कि जो पार्टी सेंट्रल में रहती थी, जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल कांग्रेस का ले लेते हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो काफी दिन तक, 1990 तक अगर हम बात करें, तो कंटिन्यूअसली हम देख रहे थे, इससे पहले 1989 तक हम ये देख रहे थे कि कांग्रेस की गवर्नमेंट सेंट्रल में भी थी और स्टेट में भी थी, तो वहां पर झगड़े का कोई सवाल नहीं उठता है। लेकिन 1990 के बाद कई सारे स्टेट में आप देखेंगे कि रीजनल पार्टी उभरने लगी, कई सारी रीजनल पार्टी बनी और तब वहां से एक्चुअल टसल शुरू हुआ सेंट्रल और स्टेट के बीच में। वहां पर आप देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बहुत सारे कोलिजन गवर्नमेंट्स बने। कोलिजन गवर्नमेंट क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है कोलिजन गवर्नमेंट की, ये रहा कोलिजन गवर्नमेंट क्या है, अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द कमिंग टुगेदर ऑफ एटलीस्ट टू पार्टी, यहाँ पे कम से कम दो पार्टी होनी चाहिए जो कि एक साथ आई हों, और यूजुअली जो पार्टनर्स होते थे जो कोलिजन बनाते थे वो पॉलिटिकल अलायंस बनाते हैं, और यहाँ पर अलायंस क्या है, जुड़ जाना है, चाहे वो प्री पोल इलेक्शन हो, इलेक्शन से पहले ही बोल दें कि हम दोनों एक साथ हैं, या पोस्ट पोल इलेक्शन में जो पार्टीज बनती थी, तो दो तरीके के बनती थी, इलेक्शन से पहले ही या तो डिक्लेयर कर दें कि हम साथ में रहेंगे, या इलेक्शन के बाद जब सीटें मिले उस हिसाब से वो मिल जाए। तो यहाँ पर इस तरह का हमने देखा, और यहाँ पे कॉमन प्रोग्राम डिसाइड हो जाता है दो पार्टीज में और वो बना लेती हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जब पॉलिसी को पास किया जाता था तो काफी ज्यादा दिक्कतें होती थी, पहले के केस में 1990 में तो आसानी से पास हो जाता था, लोकसभा राज्यसभा सबसे पास होता हुआ कोई डिसीजन ले ली जाती थी, लेकिन बाद में ये चीजें हमने देखी हैं कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। इसका भी हम डायग्राम भी आप अभी आपको मैं समझाऊंगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे जो पावर शेयरिंग हो रही थी स्टेट की, हमने ये चीज देखी है कि एक न्यू कल्चर 1990 से बनना शुरू हो गया। पहले तो आसानी से हो जाता था, सेंट्रल गवर्नमेंट भी वही चाह रहा है, स्टेट गवर्नमेंट भी वही चाह रहा है, क्योंकि एक ही गवर्नमेंट है और आसानी से सब पास होता हुआ चला जा रहा है, और कोई भी लॉ बन जा रहा है पार्लियामेंट में, वो चाहे पब्लिक के फेवर में हो चाहे पब्लिक के फेवर में ना हो, इस तरीके से वर्क हो रहा था। लेकिन 1990 के बाद जब रीजनल पार्टी डेवलप होने लगी और कई सारे एजेंडे वहां पे क्रिएट क्रिएट हो गए, कई सारे पॉइंट्स वहां पे उभरे जहां पे सब एग्री नहीं कर रहे थे, तो उस केस में कोलिजन गवर्नमेंट बना, ये चीज हम यहाँ पे समझ चुके हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है, तो वहां पे कौन करेगा, यहाँ पे देखिए
इस केस में सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे मेन डिसीजन उसी का होगा। ये जो ट्रेंड था इसमें कई सारे डिस्प्यूट क्रिएट हुए, जहां पर इस तरह के लॉज बनाए गए उसमें सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा एक्शन था। और यहाँ पर पावर शेयरिंग जहां पे नहीं हो पा रही थी पहले, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने काफी बड़ा एक्शन लिया। और 1990 के बाद तो काफी ज्यादा, जब कोलिजन गवर्नमेंट बनने लगी तो प्रॉब्लम काफी ज्यादा सॉल्व भी हो गई थी जो कि पहले फेस किया जा रहा था। अब यहाँ पे डायग्राम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए ये इंदिरा की गवर्नमेंट है, ये इंदिरा गांधी है, ये सबको अलग अलग स्टेट को ये दे रही है। लाइन में लगा के देखिए किस तरीके से वो कोई पॉलिसी को लागू कराती थी, ये इस तरीके से दिया जाता था। पहले माना जा रहा है 1990 से पहले की बात है। और यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी की 1990 के बाद जब गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने सबके साथ देखिए कैसे वो कोलिजन में किस तरीके से आग यहाँ निकल रहा है, उसके बावजूद भी वो सीट पे बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर के और रन कराने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे इंदिरा गांधी इंडिपेंडेंट थी, वो कोई भी एक्शन बहुत आसानी से ले लेती थी। और यहाँ पे जब अटल जी उस पे एक्शन लेते थे तो उनको काफी दिक्कतें झेलने को होती थी, क्योंकि कई सारे अलग अलग गवर्नमेंट्स उनका यहाँ पर साथ दे रही थी गवर्नमेंट बनाने में, तो कई बार इनकी गवर्नमेंट भी इसलिए गिरी थी। तो ये चीज आप यहाँ पे आप क्लियर हो रहे होंगे। यहाँ पर देखिए हम बात करने जा रहे हैं लैंग्वेज के डाइवर्सिटी की इंडिया में। अगर हम ये लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो आपको ये चीज पता चलेगा कि सेंसस 1991 के हिसाब से, यहाँ पे देखिए 1991 के हिसाब से आपको ये पता चलता है कि 1500 डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेजेस पाई जाती हैं। और ये डाइवर्सिटी जो आप देख पा रहे हैं, इतने सारे लैंग्वेजेस हैं, इनको आखिर कैसे स्टडी किया जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, तो उनको ग्रुप कर दिया गया, उनको ग्रुप कर दिया गया और इनको मेजर लैंग्वेजेस बोल दिया गया। तो ऐसा एग्जाम्पल क्या है, अगर हम हिंदी की बात करें, हिंदी में कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, भोजपुरी है, मगधी है, बुंदेलखंडी है, छत्तीसगढ़ी है, राजस्थानी है, भीली है, और भी कई सारे लैंग्वेजेस हैं। और सेंसस के हिसाब से 114 मेजर लैंग्वेजेस कंसीडर की गई हैं और 22 लैंग्वेजेस शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल में जो भी लैंग्वेज है उसको हम शेड्यूल लैंग्वेजेस बोलते हैं। और जो भी लैंग्वेजेस यहां पर नहीं है, तो अगर मान लीजिए 8th शेड्यूल में नहीं है तो उनको क्या हम बोलेंगे, नहीं वाला, ये होगा नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। क्लियर है, नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। हाँ, अब यहां पे देखिए ये चीज हमको क्लियर हो गई है कि शेड्यूल्ड क्या है और नॉन शेड्यूल लैंग्वेजेस क्या है। अब यहां पर और आपको ये चीज समझनी है कि सबकी मदर टंग, देखिए हिंदी नहीं थी, पहले हमने डिस्प्यूट देखा हिंदी का, वहां पे हम क्या कह रहे थे, सिर्फ 40% लोग ही हिंदी बोल रहे थे। और अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में क्या था, इंग्लिश में सिर्फ हम देख रहे थे 0.02% ही मदर टंग था इंग्लिश लोगों का, 40% मदर टंग था हिंदी का। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से टोटल हम यहाँ पे मदर टंग के हिसाब से इसको डिवाइड कर रहे हैं। और अगर हम थर्ड तरह की बात करें जहां पे हिंदी इंग्लिश और तीसरा जो था वो 11% लोग थे अदर्स, जो कि ना हिंदी बोल पा रहे थे ना इंग्लिश बोल पा रहे थे। तो इस तरीके से इंडिया डिवाइडेड था। तो यहाँ पर आप ये चीज समझ पा रहे हो। और इसको देखिए यहाँ पे ये चार्ट भी दे रखा है, इसको आप ये चार्ट देखिएगा और कोशिश करिएगा कि ग्राफ में इसको बैठाएं। यहाँ पर देखिए रामचंद्र गुहा जी ने, ये आर्टिकल हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया का है नवंबर 1st 2006 का। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे लैंग्वेज के बेस पे, लिंग्विस्टिक स्टेज के बेस पे उन्होंने काफी अच्छा बोला था। इससे रिलेटेड आपको कुछ
एग्जाम्पल्स आपको लेने हैं और अगर आपको देखने को मिला तो यहाँ पर आप इसको करिएगा, ये आपका काम है। यहाँ पर ये आपके एग्जाम में कभी नहीं आने वाला है, तो इसके बारे में हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ डिसेंट्रलाइजेशन की, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब आप समझते हैं कि कोई भी पावर को जब हम डिवाइड कर दें, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर को डिवाइड कर दिया स्टेट्स में, स्टेट ने अपनी पावर को पंचायती राज में डिवाइड कर दिया, ये क्या है, ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। पावर को हम डिवाइड कर क्यों करते हैं आपको ये चीज समझना चाहिए, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तभी हम अच्छे से एक एक आदमी को रूल कर सकते हैं, उनको रूल समझा सकते हैं, अगर ऐसा डिवीजन नहीं होगा तो काफी दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कई ऐसे स्टेट हैं जो कि यूरोप के कुछ इंडिपेंडेंट कंट्री से भी बड़े हैं और वहां की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है रशिया से भी, जैसे यूएस। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इतने ज्यादा लोग हैं जो कि रशिया से भी ज्यादा हैं, जबकि रशिया हमसे काफी बड़ा है एरिया में उत्तर प्रदेश के, लेकिन वहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ऐसे ही महाराष्ट्र हमारा जर्मनी से काफी बड़ा है, तो ये चीज हम देख पा रहे हैं कि काफी हमारा जो स्टेट है छोटा होने के बावजूद वहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और वहां पे बहुत ज्यादा लोग हैं, तो वहां पे हमको अच्छे से रूल भी करना जरूरी है। और ये चीज हम देखिए क्या कर रहे हैं, इसीलिए देखिए हमने डिवाइड कर दिया इंडियन गवर्नमेंट को, हमने क्या किया है यहाँ पर, यहाँ पे हमने टॉप पर रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट को और मिडिल में रखा है स्टेट गवर्नमेंट को और मिडिल में रखा है, बॉटम में रखा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपैलिटी कहाँ है, अर्बन एरिया में है और पंचायती राज रूरल एरियाज में है। तो यहाँ पर अगर आप पहले की बात करें, देखिए जो लोकल गवर्नमेंट है, ये लोकल गवर्नमेंट क्या है, ये लोकल गवर्नमेंट है हमारा तीसरा स्टाटा, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पंचायती राज ये हमारा आता है लोकल गवर्नमेंट में, हम इसको कहते हैं लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि गांव के लोग या शहर के लोग जो रूल किए जाएंगे उनको कहा जाएगा लोकल गवर्नमेंट, और उससे ऊपर ये हो गया स्टेट गवर्नमेंट और सबसे ऊपर हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे अगर ये हमने क्यों किया, क्योंकि हम गांव गांव तक अच्छे से रूल नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए हमको डिसेंट्रलाइज करना पड़ा। डिसेंट्रलाइजेशन हमारे लोकल गवर्नमेंट के टर्म में यूज किया जाता है। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा और फोकस डालें तो आपको ये चीज समझ में आएगा कि जो ये लोकल गवर्नमेंट थे यहाँ पर बना तो दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे टाइम टू टाइम इलेक्शन नहीं होता था, मीटिंग नहीं होती थी, पहले काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, जो लोकल प्रॉब्लम्स थी वो डिस्कस ही नहीं हो पाती थी, मीटिंग नहीं हो पाता था तो डिस्कस नहीं हो पाता था, तो यहाँ पर डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं रह गया था, इलेक्शन टाइम टू टाइम होता नहीं था, 10-10 साल तक एक ही आदमी पंचायत में है, तो ये काफी ज्यादा दिक्कत हुई। तो इसलिए क्या किया गया, 1992 में पंचायती राज सिस्टम को हमने एक लॉ का रूप दिया, 1993 में एक्ट पास हुआ। तो यहां पर उसके बाद क्या हुआ, जब एक्ट पास कर दिया गया तब हमने देखा कि जो इलेक्शन रेगुलरली नहीं होते थे वो अब रेगुलरिटी में इलेक्शन होने लगे, और पहले क्या था, जो शेड्यूल कास्ट से एससी एसटी ओबीसी इन लोगों को सीटें उतने अच्छे से नहीं मिली थी, एग्जीक्यूटिव हेड इनको नहीं बनाया जा रहा था, तो अब वो बनने लगे, कुछ सीटें रिजर्व भी होने लगी, और कह दिया गया कि कम से कम 1/3 पोजीशन हमारा वुमेन के लिए रिजर्व कर दिया जाए। और आप देखेंगे कि अलग से स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया, इलेक्शन कमीशन पूरे इंडिया को देखता है, लेकिन अगर लोकल की बात हो जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जब इलेक्शन होता है तो वो इलेक्शन कमीशन देखता है, लेकिन पंचायती राज का स्टेट इलेक्शन कमीशन वहां पे इलेक्शन करवाता है, जो कि पंचायती राज और म्युनिसिपल इलेक्शन को देखता है वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कभी भी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन कराता है, तो ऐसा नहीं होता है, वो पंचायती राज और म्युनिसिपल का इलेक्शन कराता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो पावर्स थे
यहां पर जो रेवेन्यू से रिलेटेड पावर्स थे, तो यहां पर ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, हर स्टेट में एक जैसे लॉज नहीं लगे हुए हैं, एक जैसा वहां पर टैक्सेशन नहीं है, तो ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। कुछ लॉज कुछ जगह पे लागू हैं और कुछ लॉज कहीं और लागू है। तो यहां पर हमने ये देखिए ये समझ लिया है कि किस तरीके से 1992 में ये लोकल गवर्नमेंट का शुरू हुआ। अब इसको थोड़ा और हम डिटेल में समझते हैं। अगर हम देखिए यहां पर लोअर स्ट्रेटा की बात करें, बॉटम लेवल की बात करें, जहां पे हम पंचायती राज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात कर रहे थे, यहां पर ये हम सिर्फ विलेज की बात कर रहे हैं। यहां पे ये विलेज का है, यहां पे क्या है सबसे नीचे होता है बॉटम पर, ये है बॉटम, यहां क्या है ग्राम सभा है, ग्राम सभा क्या है गांव के विलेज के हर वो आदमी जो 18 साल का हो चुका है या उससे ज्यादा एंड मोर, जिनकी एज हो चुकी है वो वोट दे सकते हैं, वो क्या हो जाएंगे वो ऑटोमेटिकली ग्राम सभा के मेंबर हो जाएंगे। और ये ग्राम सभा किनको इलेक्ट करेगा, वोट करके ग्राम पंचायत को इलेक्ट करेगा। तो ये विलेज एरिया में होता है और यहां पे आप देखेंगे कई सारे विलेज मिलके, कई सारे ग्राम सभा मिलके इनको चुनेंगे, ग्राम पंचायत चुना जाएगा। ये हमारा हो गया विलेज लेवल पर। और फिर उससे ऊपर होता है ब्लॉक लेवल पर, वहां पर बनेगा पंचायत समिति या हम कह सकते हैं ब्लॉक, या इनको हम मंडल भी कहते हैं, और कई समिति मिलके बनेगा डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे होगा जिला परिषद। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। यहां पर आप देखेंगे कि ये जो जिला परिषद होंगे यहां पर मेंबर होंगे इनके एमएलए, यहां पर इनके मेंबर होंगे एमएलएज होंगे कुछ जो यहाँ पे वर्क करेंगे, और यहां पर जो पंचायत समिति है यहां पर इनके ग्राम पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे इनको चुनते हैं, तो ये इनके रिप्रेजेंटेटिव हो गए, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ यहाँ पे, ये यहाँ पर ग्राम पंचायत में डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ये डायरेक्ट इलेक्शन है, यहाँ पे डायरेक्ट लोग चुनते हैं इनको, ठीक है। यहाँ पे कौन चुनेगा, पब्लिक, डायरेक्ट होगा ये, और यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, जो चुने जाते हैं लोग वही तो यहाँ पर वोट करते हैं, तो पंचायत समिति में रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, यहां पर इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ये चीज आप क्लियर रखें, ठीक है। अब यहां पर देखिए जो ये ग्राम पंचायत होगा, यहां पर हेड कौन होगा, सरपंच होगा और इसके मेंबर जो होंगे उनको हम कहेंगे पंच, ठीक है। तो यहां पे पांच लोग रहते हैं इसीलिए हम इनको पंच कहते हैं, मेंबर कितना है फाइव, क्लियर है, इसीलिए हम इनको सरपंच कहते हैं। यहां पर आपको ये चीज क्लियर हुई है या नहीं हुई है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप तुरंत मुझे बताइएगा। ये हम जब अभी सिक्स क्लास की बुक लेंगे वहां पर भी हमको ये चीज सेम यही टॉपिक हमको डिस्कस करना है। और यहाँ पे अब ये तो हो गई विलेज की बात, अगर हम यही टाउन की बात करें, टाउन में क्या होगा, तो टाउन में भी आप ये चीज देखेंगे कि वहां पर भी ऐसे ही लेवल होते हैं, जो टॉप पर होगा म्युनिसिपल का, म्युनिसिपल म्युनिसिपैलिटी का जो हेड होगा, यहाँ पे क्या होगा वो होगा मेयर, और इसको हेल्प करने के लिए होंगे काउंसिलर्स, ठीक है। यहाँ पे हेल्प करने के लिए कौन होंगे, काउंसिलर होंगे, मेयर और उनके काउंसिलर्स, ये चीज हम यहाँ पर समझ चुके हैं। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए जो अभी हमने डिसेंट्रलाइजेशन की बात की है, इसका बेस्ट एग्जांपल हम ब्राजील से ले सकते हैं। ब्राजील का ये देखिए यहाँ पे है पोर्टो
एलेग्रे ये सिटी है जहां पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेरिमेंट किया गया था, और यहाँ पे पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी को हमने देखा पहली बार। यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पे देखिए म्यूनिसिपल काउंसिल बनाया गया, और इन्होंने जो भी वहां पे लोग थे जो रहते थे वो डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में वहां पे पार्ट ले सकते थे। वहां पे अगर हम बात करें नियरली कितने लोग थे, तो वहां पे 13 लाख लोग रहते थे उस समय, और वो पार्टिसिपेट करते थे बजट बनाने में। पूरी पूरी सिटी सोचिए बजट बना रही है, और यहाँ पर अलग अलग सेक्टर में डिवाइडेड था ये सिटी, और ये जो सेक्टर था ये वार्ड में डिवाइडेड था। ऐसे ही देखिए हम इंडिया की अगर हम बात करें, इसको समझने की कोशिश करिएगा, इंडिया और ब्राजील। इंडिया आप जानते हैं पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा है, यहाँ पे क्या किया गया, एक विलेज लिया गया, विलेज को छोटे छोटे पॉकेट्स में डिवाइड किया गया। इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये विलेज है, और यहां पर ये जो विलेज है इसमें ये जो छोटे छोटे पॉकेट हैं उसको हम कह रहे हैं वार्ड, और ये वार्ड के जितने भी लोग हैं ये सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं आगे इलेक्शन में, और यहाँ पे पंचायत समिति चुनी जा रही है। पंचायत समिति, और यही पंचायत समिति फिर आगे जिला परिषद को चुन रही है। और यहां पर क्या हो रहा है, ब्राजील के केस में क्या है, यहां पर एक ही सिटी है ये पोर्टो, एलेग्रे। यहां पर क्या हो रहा है, इन्होंने वार्ड्स में डिवाइड कर दिया है पॉपुलेशन को, और ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये म्युनिसिपल काउंसिल की तरह वर्क कर रही है, ये क्या कर रही है, काउंसिल की तरह काम कर रही है, और यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये बजट में डायरेक्टली ये इन्वॉल्व है, ये डिसाइड कर रहे हैं कि जो भी काम किया जाए वो सिर्फ रिच के लिए ना हो। यहाँ पे सिर्फ ये जो बजट एलोकेट हो रहा है ये सिर्फ रिच के लिए ना हो, यहाँ पे कुछ पुअर के लिए भी सोचा जाए, ये चीज यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। तो ये चीज हमने देखी है, और यही जो एक्सपेरिमेंट है ये केरला में भी हमने देखा है। केरला में भी सिटी है जहां पे इस तरह के हमने लोकैलिटी में ये पैटर्न इस्तेमाल किया था जो कि ब्राजील में है, और वो काफी सक्सेसफुल रहा। इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि केरला बहुत ज्यादा डेवलप्ड है और एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स, ये चीज हम आसानी से यहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो हमने अभी नया सिस्टम देखा है लोकल गवर्नमेंट का, यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है ये डेमोक्रेसी का, यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि 36 लाख लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो पॉपुलेशन है ये बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस को बिल्ड करने में ये काफी हेल्प पहुंचा रहा है। ये जो हम तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो पावर को हम डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं, इसके लिए काफी हेल्प पहुंचा रहा है। और यहाँ पर देखिए अभी भी अगर हम बात करें कि क्या ये बिल्कुल सही हो चुका है, सारी चीजें रेगुलरिटी में हो रही हैं, तो अभी भी दिक्कतें हैं, रेगुलर इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं और ग्राम सभा की मीटिंग रेगुलर नहीं हो रही है। हम जनरली जानते हैं कि ग्राम सभा का जो सेटिंग होना चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए, वो 2 से 3 बार हर साल में होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम देखिए अगर हमको जो सेल्फ गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, ये अगर हमको अच्छे से करना है तो उसके लिए हमको ये चीज अच्छे से करनी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा प्रयास पसंद आया हो तो तुरंत सब्सक्राइब करें पूरा एजुकेटर द वे टू द सक्सेस को, और ये ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों से, और कोई नए अगर आप क्लास चाहते हो तो कमेंट करके तुरंत बताएं कि मैं वो क्लास जल्दी से शुरू कर सकूं। थैंक यू वंस अगेन, विल मीट यू वेरी सून विद अ न्यू वीडियो।